हे गाइस, what's up, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वैसे मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी स्मार्टफोन में कैसे सॉफ्टवेयर चढ़ा सकते हैं। स्मार्टफोन मतलब सिर्फ एंड्रॉयड में, आईफोन के लिए दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आईफोन में दूसरे तरीके से सॉफ्टवेयर चढ़ता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है सभी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, जैसे कि रियलमी, शाओमी, एमआई, जो रेडमी, पोको सीरीज है, सब तो सब ब्रांड है, सबका मेथड सेम है। आसूस रहे या ओप्पो, वीवो, सबके लिए ये जो है प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। वैसे यही काम के लिए आप जाओगे सर्विस सेंटर वगैरह तो आपको चार्ज लग जाएंगे 500-600, महंगे फ़ोन है तो 1000 रुपये भी आपके चार्ज हो जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ये बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। सारे मेथड को देखते रहिए, और यार ज़्यादा दिल बड़ा हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, ट्विटर पे फॉलो कर देंगे, कुछ सवाल होगा आपका तो ट्विटर पे भी आपका रिप्लाई मिल जाएगा। वैसे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं, पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यार प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले यार वो तो मैंने जो बोल दिया, वो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, 20,000 लाइक का टारगेट रखते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं पहले से तो ठीक है, नहीं तो लाल कलर बटन पे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर भी कर दीजिए। ये देखिए व्हाट्सएप में बस कितना आसान था शेयर करना, शेयर पे क्लिक किए और व्हाट्सएप आ गया, सब जगह शेयर कर दो। कमेंट में आपको लिख देना है सॉफ्टवेयर चढ़ाने की ट्रिक, या फिर बेस्ट ट्रिक आपको लिख देनी है। और दोस्तों ये मेरा डेड फ़ोन है, इसमें मुझे सॉफ्टवेयर को चढ़ाना है, मुझे फ़ोन को ठीक करना है बिना सर्विस सेंटर जाए, खुद से हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले फ़ोन में तो आप वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन ये दोनों प्रेस कर सकते हो। एमआई के फ़ोन में, बहुत सारे फ़ोन में जो है ना चला जाता है फास्ट बूट मोड में, लेकिन और भी लेनोवो के फ़ोन में, माइक्रोमैक्स के फ़ोन में आपको फास्ट बूट नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन एमआई का फ़ोन है तो आपको फास्ट बूट मोड में डाल देना है, और अपना डाटा केबल आपको लगा देना है। फास्ट बूट मोड में कैसे गया तो पावर बटन और वॉल्यूम का नीचे वाला बटन, माइनस बटन, ये दोनों एक साथ दबाओगे ना 10 सेकंड में फ़ोन बंद होने के बाद, तो उसी टाइम आपका खुल जाएगा। अब चलिए ये तो खुल गया, और अगर आपके फ़ोन में फास्ट बूट मोड नहीं आता है तब क्या करेंगे, तो आपके फ़ोन में चलिए उसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, टेंशन मत लेना। और बस यही होता है, फ़ोन में बस इतना कर दो ना, बहुत हो गया काम। और अब आपको कुछ फाइल चाहिए, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या पीसी, डेस्कटॉप, कमज़ोर लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, जो भी लैपटॉप कंप्यूटर है ना सबसे काम हो जाएगा। अगर 4GB रैम है लैपटॉप में तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले तो ये लोकल डिस्क में ही मैंने सॉफ्टवेयर को रखा है, ये देखिए मैंने यहाँ पर फोल्डर बना करके रखा है, ये देखिए एमआई सॉफ्टवेयर। लेकिन आपका सैमसंग का है तो टेंशन मत लीजिए, उसका भी हो जाएगा, पहले ये तो सीख लो, कहीं पे भी रख दो सॉफ्टवेयर को। लेकिन एमआई के फ़ोन में कंडीशन ये होता है कि फ़ोन का जो फोल्डर का नाम लिखोगे ना, तो फोल्डर का नाम में इसमें स्पेस मत देना, ठीक है। अब फोल्डर के अंदर में गया और यहाँ पे देखा कि आपने, मैंने एक जिप को एक्सट्रैक्ट किया, वो जिप क्या था तो वो हमारा सॉफ्टवेयर फाइल था। हमें 3 चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती है अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए। पहली चीज़ें सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा, दूसरी चीज़ें फ्लैश टूल, तीसरी चीज़ें यूएसबी ड्राइवर, सभी मोबाइल का यूएसबी ड्राइवर का मैं लिंक और सॉफ्टवेयर का लिंक सब मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखिए हमने तो सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसके अंदर भी हम चल गए देखने, लेकिन उसके अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए ये मेरा फ्लैश टूल जो है ना, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। वैसे तो यार इसको मैंने एक बार पहले से इंस्टॉल करके रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए चलो मैं फिर से एक बार यहाँ पे मैं चाहूँ तो इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। अब दूसरी चीज़ को जो हमें इंस्टॉल कर, तीसरी चीज़ को जो इंस्टॉल करनी है वो है हमारा यूएसबी ड्राइवर। यूएसबी ड्राइवर को समझने के लिए आप समझ लो एक नदी को पार करने के लिए पुल का यूज़ करते हो ना, बस यही समझ लो यूएसबी ड्राइवर जो है ना कंप्यूटर और मोबाइल के बीच में एक पुल का काम करता है। तो इसको हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, रन करके उसे भी हमने इंस्टॉल कर दिया। और अब ये जो यूएसबी ड्राइवर है, जब अपने फ़ोन को डाटा केबल लगाते हो ना, तब ये कंप्यूटर या लैपटॉप जो है समझ जाता है कि हाँ भाई ये जो फ़ोन में है कनेक्ट हो गया, तो यूएसबी ड्राइवर ही बताता है, बताने का काम करता है। तो इसलिए ये देखो लगभग इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया। अब ये कम्प्लीट कर देने के बाद
ये देखो जो हमारा फ्लैश टूल है उसे हमें रन करना है। तो भाई यहाँ तो हमने इंस्टॉल किया, रन तो यहाँ से होगा नहीं, लेकिन हमें बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए। ये देखो ये फिर से मैं इसे ये फिर से इंस्टॉल शायद ये हाँ ये एक बार और फिर से आपको इसको करोगे ना इंस्टॉल USB ड्राइवर को, तो आपको इस तरह से येस और नो बोलेगा। तो मैंने वाई किया, फिर इंटर किया, फिर मैंने वाई क्लिक किया, फिर मैंने इंटर किया, फिर मैंने वाई क्लिक किया, फिर इंटर क्लिक किया। तो ये जो है ADB ड्राइवर या USB ड्राइवर उसी को कहते हैं, ये हमारा भी इंस्टॉल हो गया। अब चलो ये काम हो ही गया ये भी, और अब हमारा जो है चलते हैं आगे ट्रिक की ओर, आगे कौन सा है काम। तो अब ये सब कर देने के बाद हम फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। पहले वीडियो लाइक शेयर सब जगह कर दो व्हाट्सएप में ग्रुप में, ताकि हर कोई अपने घर से ये सब काम कर पाए। ये देखो ये जो MI का दिख रहा है ना, ये फ्लैश टूल ओपन कर देना है। लेकिन सैमसंग फ़ोन में करोगे तो सैमसंग में MI का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसके लिए ODIN होता है, लेकिन आप समझ लो। तो ये देखो हमने फ्लैश टूल को रन किया। कौन सा फ्लैश टूल? तो MI फ्लैश टूल। MI फ्लैश टूल को रन किया। अगर ओप्पो का रहता तो ओप्पो का अलग फ्लैश टूल रहता, वीवो का अलग फ्लैश टूल रहता, इन्फिनिक्स का अलग रहता है। तो उसको हमने रन किया। रन करने के बाद अब देखो मैं करूँगा क्या। पहले तो मैंने डाटा केबल को लगा दिया। डाटा केबल लगाने के बाद ये देखो ये जो है ना एड्रेस बार, इसको आपको कॉपी करना है। किसका कॉपी करोगे? तो ये देखो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर गया और सॉफ्टवेयर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसके बाद उस पर क्लिक करके ऊपर में बार में क्लिक करके उसको हमने कॉपी कर दिया। कॉपी करके और ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो कॉपी पेस्ट करो या तो ये देखो सिलेक्ट लिखा हुआ है ना, या तो सिलेक्ट पे क्लिक करके फोल्डर सिलेक्ट करो, बात वो करो। दोनों बड़ा बड़े हैं, दोनों तो एड्रेस ही बता रहे हैं ना। चाहे आप गली से जाओ अपने घर पे या पुल पे चढ़ के जाओ घर पे, आप पहुंचोगे तो घर में ही ना। तो वही हमने ये काम कर दिया। फिर हमने फ्लैश के ऊपर क्लिक कर दिया, मतलब कि सॉफ्टवेयर तो हमारा लोड हो गया फ्लैश टूल के अंदर। अब देखिए फ्लैश पे क्लिक हमने किया, बस सॉफ्टवेयर चढ़ना शुरू हो गया। अब सॉफ्टवेयर चढ़ने में यार आपको टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 5 से 7 मिनट या 8 मिनट? 8 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिया, 8 मिनट नहीं लगता है आजकल, जल्दी जल्दी हो जाता है काम। हाँ लेकिन ये देखो कभी कभी ना थोड़ा सा चढ़ेगा और फिर एरर हो जाएगा, मतलब लाल हो जाएगा, ये जो हो रहा है ना हरियर वाला, कभी कभी एरर हो जाता है। तो भाई वो क्यों होता है? तो आपके डाटा केबल में दिक्कत है, या तो आपने USB ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं किया, या तो आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसमें कुछ गलती कर दी डाउनलोड करने में सॉफ्टवेयर को, कहीं आपने इंटरनेट को बंद तो नहीं कर दिया था डाउनलोड होते होते, फिर आपने चालू किया तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ऐसे 5-7 प्रॉब्लम है। तो कभी आपका फेल भी होता है ना सॉफ्टवेयर चढ़ाते चढ़ाते, तो वो सब का टेंशन मत लो, उसका भी मैंने वीडियो बना करके रखा है, लेकिन आपको वो सब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब तो एक के वीडियो में हो जाएगा काम। ये बस देख लो सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद समझ लो कि भाई सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में चढ़ गया। अब यहाँ पे करना क्या है? 10 सेकंड रुको, 20 सेकंड रुको, फिर अपने अपने मोबाइल पे जाना, ये काम हो जाए, डाटा केबल को निकाल दो। कुछ कुछ फ़ोन ना MI का रियलमी का माइक्रोमैक्स का ऑटोमेटिक चालू हो जाता है सॉफ्टवेयर चढ़ने के बाद, लेकिन ये MI का फ़ोन है तो इसमें हमको पावर बटन दबाना पड़ता है 5-7 सेकंड के लिए, बस आपका फ़ोन चालू हो गया। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान था सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली फ्लैश करना, सॉफ्टवेयर चढ़ाना अपने मोबाइल में। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब पहले से करके रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, घंटी बटन दबा दीजिएगा तो हमें संतुष्टि मिलेगी, वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो और लोग जानेंगे, सब काम लोग फ्री में कर पाएंगे। अपने फ़ोन का नाम कमेंट में लिखिए, आपके फ़ोन के ऊपर स्पेशल वीडियो बना देंगे, और कमेंट में आपको जो है लिख देना है बेस्ट ट्रिक नाइस ट्रिक, आपको 2-3 कमेंट कर देना है, ठीक है? एक कमेंट नहीं 3-4 कमेंट करो। थैंक यू, बाय।